हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीना और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं टेस्टी टेस्टी हरी मिर्च की सब्जी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और लगे कि शेयर करने वाली है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हरी मिर्च की इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं। ये मोटी वाली हरी मिर्च है जो कि आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसे हम अचार या सब्जी दोनों ही बना सकते हैं। इसे पानी से धो लिया है और धोने के बाद इसके डंठल काट लेती हूँ। साथ में मैं 3 जबरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करते ही आप इस हरी मिर्च का मिर्चपन बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, इस मिर्च के डंठल तो मैंने काट लिए हैं और अब है टिप नंबर 1। इसे काटने के लिए मैं इस तरीके से बीच में से काटूंगी और इसके जो बीज हैं इनको मैं निकाल दूंगी। और बीज निकालते ही इस मिर्च का मिर्चपन काफ़ी कम हो जाता है। तो ये देखिए, बड़ी आसानी से इसके बीज निकल जाते हैं और मैं इसी तरीके से सारी मिर्चों के बीज निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, मिर्चों के बीज निकल चुके हैं और मिर्चें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं, लेकिन मिर्च तो मिर्च ही होती है, अभी भी इसमें मिर्चपन तो काफ़ी है। तो सबसे पहले मैं इन्हें काट लेती हूँ इस तरीके से, और आप चाहें तो इसे आधे आधे जैसे अभी मैंने किए थे उस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो मैंने इसे टुकड़ों में काट लिया है इस तरीके से। मसाले के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है मेथी दाना, साबुत धनिया, साबुत जीरा, ये सभी मैंने 1/4 चम्मच ले लिए हैं। सौंफ ले ली है 1 चम्मच, मूंगफली के दाने ले लिए हैं 10 से 15, और इनको मैं भून लेती हूँ। अब टिप नंबर 2 है कि मैंने 2 इंग्रेडिएंट मसालों में ऐसे मिलाए हैं जो कि नेचुरल मिठास होती है और सब्जी का तीखापन मिर्चपन कम करती है। तो उनमें से सबसे पहले है सौंफ जो कि मैंने 1 चम्मच लिया है, साथ में है ये दालचीनी, तो 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए लिए हैं। तो इनको मिलाते ही सब्जी का तीखापन काफ़ी कम हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इन्हें ब्लेंड कर लिया है ठंडा करके और इस तरीके से सब्जी का मसाला तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर बर्तन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसमें चुटकी भर हींग मिला रही हूँ, साथ में हल्दी पाउडर, और साथ में मैं ले रही हूँ लगभग 1 चम्मच बेसन, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। लो फ्लेम पर भूनते हुए मुझे लगभग 1 मिनट हो चुका है और बेसन अच्छे से भुन चुका है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है जब ये भुन जाता है। तो अब मैं जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं इनको मिला दूंगी, और ये देखिए, अब मैं बेसन वाले मसाले में हरी मिर्चों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच पानी के मिला लूँगी। पानी मिलाने से ये सब्जी अच्छे से धीमी धीमी आंच पर पकती है तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। साथ में मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला लिया है और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके अब मैं इसे कवर करके लगभग 4 मिनट तक पकने दूँगी और लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो ये 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, मिर्चें जो हैं हमारी काफ़ी पक चुकी हैं। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ, एक इस तरीके से हम इसे स्पैचुला से हल्का सा प्रेस करते हुए पकाएंगे, अगर आसानी से कट जाएगी तो इसका मतलब मिर्च पक चुकी है। तो ये पक गई है और अब मैं इसमें मिला रही हूँ तैयार किया हुआ मसाला। तो मसाले के लगभग 3 चम्मच बनके तैयार हुए थे पर मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच ही मिला रही हूँ, नहीं तो मसाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मूंगफली इसमें ज़्यादा हो गई थी। अगर मसाला कम लेना चाहते तो मूंगफली कम कर सकते हैं। तो अब इस रेसिपी जो है बनकर तैयार हो चुकी है, सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन अब मैं टिप नंबर 3 है कि इस मिर्च का बिल्कुल तीखापन कम ही कर देना है। तो और इसमें मैं एक इन्ग्रीडियंट मिलाने वाली हूँ, और वैसे ये सब्ज़ी बिल्कुल अब तैयार है खाने के लिए। तो ये है, देखिए, मैंने कद्दूकस किया हुआ लगभग 3 चम्मच पनीर ला दिया है, और पनीर को मिलाते ही सब्ज़ी में अगर हल्का सा भी तीखापन मिर्चपन था तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बस अब मैं इसे मिक्स करके और लगभग 6 से 7 सेकंड तक इसे मिक्स करके पकाऊँगी, और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हरी मिर्च की ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है।
आप इस सब्ज़ी को रोटी, पूरी, नान, परांठा, चावल किसी के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखा फ्रेंड्स, है ना कितनी आसान चटपटी तीखी तीखी सब्ज़ी, वो भी बिना मिर्च के। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।